फ्रेंड्स, आई एम मोनिका जैन मेहंदी आर्टिस्ट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। तो फ्रेंड, आज का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। मैं ऑर्डर पे जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपने साथ कौन कौन से सामान को जो है वो कैरी करती हूँ, तो वो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग हम कौन से टॉपिक पे बनाएं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मैं अपने साथ ऑर्डर पे जाने से पहले लेके जाती हूँ। तो ये है मेरा प्लास्टिक का बॉक्स। तो मैं ये प्लास्टिक का बॉक्स लेके जाती हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो साथ में। तो ये प्लास्टिक का बॉक्स है, इसके साथ में मैं ये मेरी कोन बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट सेलो शीट है, ये बहुत ही अच्छी है, तो मैं ये हमेशा साथ में लेके जाती हूँ। मैं घर से कभी भी कोन नहीं बनाती हूँ, मैं वहाँ पे जाके ही कोन बनाती हूँ, इसलिए मैं ये सेलो शीट साथ में यूज़ करती हूँ। तो ये हमारे इस बॉक्स में। देन नेक्स्ट मैं ये स्टील की सीजर यूज़ करती हूँ। ये बहुत स्मॉल है लेकिन बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा स्टील की जो सीजर है वही यूज़ करती हूँ। देन नेक्स्ट ये है मेरा टेप डिस्पेंसर। तो ये मैं टेप डिस्पेंसर जो यूज़ करती हूँ वो पोलो की ब्रांड का है। देन इसके अंदर जो टेप है वो हाफ इंच की टेप है, वो भी पोलो ब्रांड की है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है, इसलिए मैं ये स्मॉल टेप डिस्पेंसर ही हमेशा यूज़ करती हूँ। देन नेक्स्ट ये है मेरे कलरफुल कॉटन बॉल्स। तो मैं हमेशा कलरफुल कॉटन बॉल्स भी अपने साथ में लेके जाती हूँ, वो भी मुझे यूज़ होते हैं मेहंदी में। देन नेक्स्ट ईयरबड्स मैं किसी और काम के लिए नहीं लेके जाती हूँ, ईयरबड्स मुझे मेहंदी में यूज़ होते हैं। सम शेडिंग पार्ट्स, सम फ्लावर्स, वो सब बनाने के लिए मुझे ईयरबड्स का यूज़ होता है, तो मैं ईयरबड्स हमेशा साथ में रखती हूँ मेरे इस बॉक्स में। देन नेक्स्ट मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोल ऑन। मुझे थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम है और हेडेक होता है कभी कभी, तो मैं ये साथ में हमेशा कैरी करती हूँ रोल ऑन हेडेक के लिए। देन मैं थोड़ी सी मेडिसिन्स भी हमेशा साथ में लेके जाती हूँ, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग जो मेडिसिन्स है वो हमेशा मैं साथ में लेके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी ऑर्डर्स पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बॉडी पेन होती है, कभी हेडेक होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्लाइंट को परेशान करें या हम खुद मेडिकल स्टोर पर जाए और वहाँ से मेडिसिन बाई करें, तो इतना टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं मेडिसिन हमेशा साथ में कैरी करती हूँ, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे साथ में जो भी मेरी टीम है, मेरी जो असिस्टेंट है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें मेडिसिन दे सकूँ। तो ये भी मैं हमेशा साथ में रखती हूँ मेरे ऑर्डर पे जाने से पहले। देन मैं थोड़े से टिश्यू हमेशा साथ में लेके जाती हूँ, ये सॉफ्ट टिश्यू है तो ये हमेशा मैं रखती हूँ साथ में। क्लाइंट के घर पे हम जाते तो कुछ क्लॉथ होते हैं या हमारे पास कुछ क्लॉथ है वो बहुत गंदे होते हैं, या फिर उनके उनकी चीज़ों को हम ख़राब ना करें या कोई चीज़ उनकी ख़राब ना हो, इसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर होके ही जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये साथ में मैं टिश्यू हमेशा लेके जाती हूँ। इसके अलावा ये है मेरा वेट वाइप टिश्यू। वेट वाइप टिश्यू मैं हमेशा कैरी करती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो बहुत सारी मेरी ब्राइड और बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो घर से काम करके या किचन से निकल के सीधा आते हैं और मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हैंड वॉश करें या उनको अच्छे से क्लीन करें, तो मैं वेट वाइप टिश्यू लेके जाती हूँ, फिर उनके हैंड को क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये वेट वाइप टिश्यू भी मैं हमेशा कैरी करती हूँ साथ में। देन मैं थोड़ी सी ये कैंडीज साथ में लेके जाती हूँ, ऑरेंज कैंडी, देन लेमन कैंडी। हम कभी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी और मेरे असिस्टेंट को भी थोड़ा सा वॉमिटिंग प्रॉब्लम, हेडेक, वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, तो थोड़ा बेटर फील हो उसके लिए मैं लेमन और ऑरेंज कैंडी हमेशा अपने साथ में कैरी करती हूँ। उसके अलावा
ये है मेरे ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट का जो कंटेनर है वो हमेशा मैं अपने साथ ही रखती हूँ और ये हमेशा मैं ऑर्डर पे लेके जाती हूँ क्लाइंट के घर पे। कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, तो ड्राई फ्रूट रहते हैं तो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट हम अगर खा लेते तो काफ़ी अच्छा लगता है और काम करने में भी अच्छी एनर्जी आ जाती है, तो मैं ड्राई फ्रूट हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ में। देन नेक्स्ट जो है, अभी कोविड की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा साथ में हैंड सैनिटाइज़र एंड मास्क, वो सारी चीज़ें भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। मास्क तो मैं वियर करके ही जाती हूँ हमेशा। उसके अलावा मेरे पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अच्छी वाली चीज़ है, ये है मेरा पोर्टेबल कॉन्स्टेंट। तो ये पोर्टेबल कॉन्स्टेंट है तो मैं ऑर्डर पर जाके इसको असेंबल करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको असेंबल कैसे करती हूँ। हाँ, जिनको भी ये कॉन्स्टेंट चाहिए आप मुझसे बाय कर सकते हो, ये मेरे पास आपको इजीली मिल जाएगा कॉन्स्टेंट। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। सो ये कॉन्स्टेंट हमारा रेडी है। इसके अंदर देखो बहुत सारे होल दिए हुए हैं, तो मैं इसके अंदर कॉर्न को अच्छे से होल्ड कर सकती हूँ। हम प्लेट्स यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी कॉर्न बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर नहीं आते हैं, बहुत स्मॉल प्लेट होती है, या फिर क्लाइंट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्लाइंट को बोले कि आप हमें प्लेट ला के दो या डिश ला के दो, तो उसकी वजह से मैं ये जो कॉन्स्टेंट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ये कम्फर्टेबल भी है, तो मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ ताकि मैं जितने भी अपने कॉर्न बनाऊँ और उसको अच्छे से के अंदर होल्ड कर सकूं। देन नेक्स्ट मेरी जो क्लॉथ है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये बैकग्राउंड है। पिल्लो के ऊपर रखने के लिए मैंने पिल्लो कवर बनाया है, तो ये मैं ऑर्डर पे जाने से पहले हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ। मैं एवरी ऑर्डर पे डिफरेंट टाइप के जो मेरे बैकग्राउंड्स है, जो मेरे क्लॉथ है, ये मैं साथ में लेके जाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने वेलवेट का जो है ये पूरा क्लॉथ लिया है, देन इसके ऊपर मैंने गोल्डन ऐसी बॉर्डर यूज़ की है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास हो और हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें भी अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आपने बहुत अच्छी डिज़ाइन सोची या बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हो बट आपका नैपकिन बहुत गंदा है या उसके ऊपर आप पिलो के ऊपर जो भी बैकग्राउंड यूज़ करते हो काफ़ी गंदा है, तो उससे क्लाइंट भी खुश नहीं होंगे, उनको भी थोड़ा अजीब लगेगा, आपको भी अनकम्फर्टेबल लगेगा, प्लस आपके हैंड भी गंदे हो जाएंगे। तो मैं जो है वो नैपकिन में बहुत अवॉइड करती हूँ, मुझे नैपकिन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी पसंद है तो मैं खुद ही बना के ये सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। और मेहंदी पार्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेहंदी पार्टी में हम जाते हैं तो आप एक नैपकिन लेके जाओगे, वहाँ पे कितने सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, बहुत सारे आपके ब्राइड के फोटोज़, आपके फ़ोटोज़ भी मेहंदी के आते हैं, तो वहाँ पे आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हो और साथ में नैपकिन यूज़ करोगे तो वो फ़ोटोज़ भी अच्छे नहीं आएंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बैकग्राउंड बनाओ और बैकग्राउंड अपने साथ में लेके जाओ ताकि आप पिलो के ऊपर वो बैकग्राउंड को यूज़ करो तो आपके फ़ोटोज़ भी अच्छी आए प्लस आपकी मेहंदी भी अच्छी लगे। इसके अलावा मैं साथ में लेके जाती हूँ ये है मेरा हेयर ड्रायर, तो आप देख सकते हो ये मेरा हेयर ड्रायर है। क्लाइंट के हैंड पे जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे मेहंदी को ड्राई करने के लिए ड्रायर की ज़रूरत होती है, तो ये मैं हमेशा साथ में कैरी करती हूँ। देन नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ स्टॉकिंग सॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉकिंग सॉक्स मैं हमेशा साथ में इसलिए लेके जाती हूँ कि कभी कभी हम घर से बहुत जल्दी में निकलते तो हो सकता है कि हमारी मेहंदी अच्छे से मिक्स ना हो, हमारा पेस्ट अच्छा ना बनाओ और ऑर्डर पे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए स्टॉकिंग सॉक्स मैं हमेशा साथ में रखती हूँ ताकि मैं मेहंदी को अच्छे से फिल्टर कर सकूँ और जो मेरा कॉर्न है वो परफेक्ट बने। देन लास्ट ये है मेरा मेहंदी का पेस्ट जो है मैं हमेशा पहले से रेडी करके ही लेके जाती हूँ ऑर्डर पे, फिर ऑर्डर पे जाने के बाद इस मेहंदी के पेस्ट को मैं कैरेट बैग में ट्रांसफ़र करती हूँ, उसके बाद जो है मैं कॉर्न बनाना स्टार्ट करती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं मैं हमेशा अपने साथ में लेके जाती हूँ। इसके अलावा जो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरी डायरी, ये भी मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। इसमें मेरे ऑर्डर्स रहते हैं, देन क्लाइंट का एड्रेस है, देन क्लाइंट के कॉन्टेक्ट नंबर जो सब रहते हैं वो मेरे इस डायरी में है। तो ये मैं नहीं लेके जाऊँगी तो क्लाइंट के वेन्यू तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो इसे भी मैं हमेशा अपने साथ में पर्स में लेके जाती हूँ। तो मैं मेरा पर्स भी दिखाती हूँ, ये है मेरा पर्स। तो इसके अंदर मेरे ये सारे सामान मैं रख के लेके जाती हूँ। सो ये मेरे सारे सामान जो है मेरे इस बैग में आ गए। मेरा बैग काफ़ी बड़ा है तो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो गई है, ऑर्डर पे जाने से पहले मैं इस तरीके से प्रिपेयर करके पूरा जाती हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जो भी न्यू यूज़र्स है तो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और आप लोगों से एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जो ब्लॉग रहेगा कौन से टॉपिक पर रहेगा, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग में कौन से टॉपिक पर बनाऊं और आपको कौन सा वीडियो पसंद है, कौन सा आप ब्लॉग देखना चाहोगे। तो प्लीज़ जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।